लगता है तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है। मुझे तो आपसे प्यार हो गया है राजकुमारी जी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? प्रेमी को लोग पागल ही तो कहते हैं। तुम यहाँ आए कैसे? हम यहाँ आए नहीं, आपका प्यार हमें यहाँ खींच कर लाया है। ओफो, बिल्कुल पागल हो। तुम यहाँ आ तो गए हो पर जा नहीं पाओगे। यहाँ से जाना कौन बेवकूफ चाहता है, आप मुझे यहीं रख लीजिए ना। हम तुम्हें काल कोठरी में बंद करवा देंगे। आप मुझे अपने दिल में बंद कर लीजिए ना। सैनिकों, फिर बुला लिए यार। यहाँ सैनिकों का क्या काम था? भाग बेटा विजय, नहीं तो मारे जाएंगे। भागते कहाँ हो? जी राजकुमारी, फिर आऊंगा मिलने जरूर। पकड़ लो इस बदमाश को, बचना नहीं चाहिए। जी वो भाग गया। भाग गया? चले जाओ यहाँ से और सेनापति से कहना हमने उन्हें याद किया है। तो भाग गया। क्या सोच रही है महारानी? माँ हूँ ना, बस बेटे की चिंता लगी रहती है। हमने सब सोच लिया है महारानी। क्या महाराज? महामंत्री और उनके पुरखों ने इस राज्य की बड़ी सेवा की है। अब भी दोनों बाप बेटे इस राज्य की प्रगति की ही सोचते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि राजकुमारी मीनाक्षी का विवाह सेनापति दुर्पाल से कर दिया जाए, ताकि जब तक हम रहेंगे वो हमारे पास रहेगी और बाद में राज्य की देखभाल करेगी। जैसी आपकी मर्जी महाराज। आपने हमें याद किया राजकुमारी। ये कैसे सैनिक हैं तुम्हारे जो एक बदतमीज को पकड़ नहीं सके? कौन है वो, जरा हमें बताइए। पता नहीं कौन गुस्ताख है जो हमारे महल में घुस आता है और हमें तंग करता है। अब नहीं करेगा, मुझसे बचकर तो मौत भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता। ठीक है, देखते हैं तुम्हें। अब मैं उसे पकड़कर ही रहूंगा। अब हम आराम करेंगे। ठीक है राजकुमारी। जब से देखा मैंने तुझको होश नहीं रहा मेरा मुझको, जब से देखा
मैंने तुझको होश नहीं रहा मेरा मुझको ना जाने ये क्या हो रहा है प्यार में मेरा दिल खो रहा है दिल मेरा ले गए तेरे नैना लूट के ले गए मेरे चैना जब तेरी मेरी मुलाकात हुई आँखों ही आँखों में बात हुई जब तेरी मेरी मुलाकात हुई आँखों ही आँखों में बात हुई उन मुलाकातों को भूल न जाना मेरी बातों को भूल न जाना बात बता गए तेरे नैना तेरे नैना ये तेरे नैना खुश है जो तुमको पाया दुनिया ने कितना समझाया दिल खुश है जो तुमको पाया मुझसे तूने मुझको चुराया जाने कैसा ये रोग लगा गए तेरे नैना तेरे नैना ये तेरे नैना लूट के ले गए मेरे चैना ओ राजकुमारी के भूत उठना नहीं है क्या कितना अच्छा सपना आ रहा था खराब कर दिया ना तड़की तड़क ये सपने देखना अच्छी बात नहीं है तुझे ज्यादा पता है हाँ हाँ पता है बीमारी ही नहीं पागलपन है पागलपन देख ले भाभी फिर मुझे छेड़ रहा है ये अब तू उठ और खाना खा ले मुझे भूख ना अभी पता नहीं क्या हुआ है इसे भूख प्यास सब गायब है आइए आइए आप भी आइए भाभी विजय कहाँ है ये तो भगवान ही जानता है कि वो कहाँ है भाभी ये बात नहीं है आज हम पता लगा के रहेंगे वो जावे कहाँ है तो जाइए जल्दी जाइए अभी अभी गया है वो मेरे को पता है उसके ठिकाने का
तुम्हारे सपने हमारी आंखों में रात भर खेले हैं, ऐसी घड़ी कहाँ मिलेगी, वो भी अकेले हैं, हम भी अकेले हैं। हम अकेले कहाँ, तुम्हारी गिरफ्तारी का सामान हमारे साथ है। सामान भी साथ है, हम भी पास हैं, कर लो गिरफ्तार दिल में, बस यही एक आस है। आज तुम नहीं भाग पाओगे। भागना इस हसी आलम से कौन चाहता है, भागना पड़ता है जब कोई कबाब में हड्डी बनकर आता है। सेनापति, रुक जाओ वरना मारे जाओगे। तुम मारोगे मुझे? हाँ मैं, क्योंकि मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता। तो आजा फिर अधूरी नजर। अरे कहाँ ढूंढे उसे? ऐसा कहाँ चला गया वो, किसी बाग में भी ना दिखा। शाही बाग में तो नहीं चला गया वो कहीं, चलो चल के देखते हैं। ठहरो, पहले महल में देखते हैं। महल में क्यों जाएगा वो? उसका कुछ पता नहीं, वो कहीं भी जा सकता है। अरे महल में जाओगे कुकरम? तू घोड़ी बन, मैं दीवार पर चढ़कर देखती हूँ। तू जल्दी घोड़ी बन जा, मैं इसको पकड़ के ऊपर चढ़ाता हूँ। चढ़ जाओ ऊपर को। बन गया घोड़ी, चढ़ जाऊं? मैं चढ़ रही हूँ। अब चढ़ भी जा। अरे शाबाश। ठहरो सैनिक, ये ऐसे नहीं मानेगा। जब मेरा ये चाबुक चलता है तो खाल के साथ साथ बात को भी हलक से खींच लेता है। क्या तुम कोई चोरी के इरादे से यहाँ आए? नहीं। तो फिर किसी राज्य के गुप्तचर हो? नहीं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या अंदर कोई बात है? चलो अंदर चल के देखते हैं। अंदर कोई बाग नहीं है। और क्या है? अंदर विजय को पकड़ रखा है और सेनापति उसे चाबुक मार रहा है। चलो चलकर भाभी को बताना पड़ेगा। फिर क्या मकसद था तुम्हारा? मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ, राजकुमारी से मोहब्बत। क्या बकते हो तुम, तुम्हारी औकात ही क्या है? दिल पर सोने चांदी का नहीं, मोहब्बत का राज चलता है राजकुमारी जी। ना तो तुम रहोगे और ना तुम्हारा दिल। मैं भी देखता हूँ कि तेरी ये मोहब्बत कितने कोड़े खाकर जिंदा रह सकती है। मोहब्बत कोड़ों से नहीं मिटती सेनापति। मोहब्बत तो क्या, मैं तेरी तकदीर मिटा देता हूँ, क्योंकि मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता। तुझे क्या हुआ? कुछ तो बोल मुमताज। वो विजय, उसे क्या हुआ? उसे सेनापति ने पकड़ लिया। सेनापति ने उसे क्यों पकड़ा? वो राजकुमार के महल में चला गया था। वहाँ कैसे पहुँचा वो? अगर मैंने कहा कि विजय खुद गया था तो उसे बहुत मार पड़ेगी। क्या कहूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खुदा की बंदी, कुछ तो बोल। वो हम तो बस खेल रहे थे,
विजय दीवार कूद कर अंदर चला गया और तुम सब कभी नहीं सुधरोगे। जल्दी कुछ करिए ना। मरने दो उसे, मुझे कुछ नहीं करना। जाकर देख तो लीजिए, कहीं कुछ और हो गया तो। हो जाए जो होता है, शायद उसे कुछ अक्ल आ जाए। भैया आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। हमें चलना चाहिए हंसराज, अभी कोई फायदा नहीं। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं जानता हूँ सूरज, महाराज के दरबार में उसकी पेशी कल होगी और राजकुमारी के महल में जाने की किसी को इजाजत नहीं होती। पिताजी आपने मुझे रोक क्यों लिया? मैं उसका खेल वहीं खत्म कर देता। आपको तो पता है कि मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता। मैंने तुम्हें कुछ सोच के रोका था। पर क्या सोचकर? वो हंसराज का छोटा भाई विजय, उसे तो हम सजा महाराज से ही दिलवाएंगे, मगर फैसला वो होगा जो महाराज सुनाएंगे और सजा वो होगी जो हम चाहेंगे। Ha 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 ha